सो नेक्स्ट टॉपिक इज एसोसिएशन रूल माई लर्निंग। या अब एसोसिएशन लर्निंग बेसिकली है क्या कि यहाँ पे कुछ रूल्स डिफाइन करेंगे हम, और उन रूल्स के बेस पे हम लर्निंग को देखेंगे। सो लेट अस सपोज, आपको स्टार्टिंग में मैंने जब स्टार्ट हुआ था कोर्स, तब एसोसिएटिव लर्निंग की एक एग्जांपल करवाई थी कि वंस अ डॉग वॉज फेड इन अ वेसल, और उस वेसल को हमेशा आप साउंड करके या किसी बेल की साउंड के साथ या वेसल को, एक पर्टिकुलर वेसल को देखकर ही डॉग क्या करता था कि वो उसके मुंह में सलाइवा आ जाता था। तो वो उसके अंदर के फूड को नहीं देखता था, लेकिन उस टाइप के वेसल को देखकर ही उसे ये पता चल जाता था कि इसमें फूड होगा, तो वो ऑटोमेटिकली वो उसके माउथ में सलाइवा आ जाता था। तो लेकिन एक बार एम्प्टी वेसल लेकर आए तो भी, विदाउट फूड तो भी उसके मुंह में सलाइवा आया। तो इसका मतलब कि उसकी लर्निंग इस तरह से होगी थी कि जब भी उस टाइप का वेसल आएगा तो उसमें फूड होगा। सो डेट्स वाई कि ये एक रूल डिफाइन हो गया कि जब भी वो वेसल आएगा तो उसमें फूड होगा, तो किसके लिए? डॉग के लिए। तो इस तरह की जो लर्निंग होगी उसको हम क्या कहेंगे? एसोसिएटिव लर्निंग। अब एसोसिएटिव लर्निंग में आपके पास होगा क्या कि इसकी एग्जाम्पल, कि लेट अस सपोज, जैसे हमने ये वाली एग्जाम्पल भी डिस्कस की थी, का पर्सन हु बायस बियर विल ऑल्सो बाय चिप्स। ठीक है, सो जब भी ये एक कोई पर्सन बियर बाय करेगा तो चिप्स भी वो साथ में लेता है। तो इस तरह के जो रूल्स होंगे ये आपकी मार्केटिंग या बिजनेस स्ट्रेटेजी में काम आएंगे। तो आज हम इसी एसोसिएशन रूल लर्निंग को डिटेल में देखेंगे। एसोसिएशन रूल लर्निंग, ऑफन नोन एज मार्केट बास्केट एनालिसिस, इज वेरी इफेक्टिव टेक्निक टू फाइंड द एसोसिएशन ऑफ सेल ऑफ आइटम एक्स विद आइटम वाई। जैसी आपकी कोई एक्स आइटम परचेज हुई तो उसके साथ वाई आइटम परचेज हो रही है या नहीं। जैसे कि ये पाया गया कि मोस्ट ऑफ द पर्सन्स हु बाय बियर विल आल्सो बाय चिप्स। तो यहाँ पर जो इस यहाँ पे एग्जाम्पल है, इसमें अगर आप देखोगे इस स्लाइड में, तो आपके पास है यहाँ मिल्क ब्रेड सीरियल, मिल्क ब्रेड शुगर एग्स, मिल्क ब्रेड बटर शुगर एग्स। तो आप किस किस के साथ इसको रिलेट कर सकते हो कि जहां पे जो पर्सन मिल्क परचेज कर रहा है वो ब्रेड भी परचेज कर रहा है। ठीक है, देखो जिस भी बास्केट में मिल्क है उसकी बास्केट में ब्रेड भी है। और क्या रिलेशन है यहाँ पे? जिसने शुगर परचेज की है उसने एग्स भी परचेज किए हैं। तो अब ये क्या है कि आप इस तरह के रूल फ्रॉम अ डेटा सेट फेच करना चाहते हो और उसके ऊपर आप एनालिसिस करोगे। तो इस टाइप की लर्निंग को हम बोलेंगे एसोसिएशन रूल लर्निंग। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, एसोसिएशन रूल माइनिंग कैन बी डिफाइंड एज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंट पैटर्न्स, कोरिलेशंस, एसोसिएशंस और कैजुअल स्ट्रक्चर्स अमंग सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और आइटम्स इन दी ट्रांजैक्शनल डेटाबेसेस, रिलेशनल डेटाबेसेस एंड अदर इंफॉर्मेशन रेपोजिटरीज। तो ज्यादातर आपके पास अगेन ये कहाँ पे, लेट अस सपोज स्टोर्स हैं वहां पर आपके पास, या ट्रांजैक्शन आईडी, यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स परचेज्ड,
और थर्ड कॉलम है आपका के बिल, जो भी प्राइस है। लेट अस सपोज फर्स्ट ने किया मिल्क ब्रेड एग, सेकंड ने किया मिल्क ब्रेड, थर्ड ने किया है शुगर एग, तो इनकी अलग अलग, ये क्या हो गया आपका ट्रांजैक्शनल डेटाबेस हो गया। अब इस ट्रांजैक्शनल डेटाबेस से आप रूल्स की क्या करोगे, माइनिंग करोगे, ठीक है। किस टाइप के रूल्स होंगे वो, एसोसिएशन रूल माइनिंग। उसमें क्या होगे, पैटर्न्स फाइंड आउट करोगे, क्या जिसने मिल्क परचेज किया हो उसी ने ब्रेड परचेज किया, कितने नंबर ऑफ पर्सन जिन्होंने शुगर परचेज की, एग्स परचेज किए, ऐसे एज इट इज, ठीक है। तो आप बेसिकली यू आर ट्राइंग टू फेच सम और डिफाइन सम रूल्स बेस्ड ऑन द एसोसिएशंस बिटवीन डिफरेंट आइटम्स, क्लियर। अभी इसके ऊपर हम एक एग्जांपल करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। अब ये है एप्लीकेशंस ऑफ एसोसिएशन रूल माइनिंग। ऑफन व्हाइल कंडक्टिंग मार्केट बास्केट एनालिसिस द ओनली सोर्स ऑफ डेटा अवेलेबल इज बिल्स टू ऑफ कस्टमर्स। ये तो जनरल सी बात है कि आपके पास कहां से आएगा डेटा, जनरली वो बिल्स ही होते हैं, बाकी तो और कोई डेटा नहीं होता। तो इसके थ्रू आप क्या प्लान करते हो, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है फ्लोर प्लान्स। फ्लोर प्लान्स कैसे, कि जहां पर आपने मिल्क के पैकेट्स जिस फ्लोर पे प्लेस किए हैं वहीं पर आप एग्स करो, ठीक है, या ब्रेड करो, ताकि वो इकट्ठे परचेज हो। और स्पेशल डिस्काउंट्स, जो आइटम्स कम परचेज हो रही हैं, ठीक है, या आप स्पेशल डिस्काउंट कैसे करते हो कि एक आइटम के साथ दूसरी आइटम अगर लोगे तो आपको वो डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगी, या बल्क परचेज पे कूपन ऑफरिंग, प्रोडक्ट क्लस्टरिंग, कैटलॉग डिजाइन, कॉम्बो पैक्स, कस्टमर सेगमेंटेशन, अडेप्टिव लर्निंग, इंट्रूजन डिटेक्शन, वेब यूजर, ये सारे इसकी एप्लीकेशन है। बेसिकली एप्लीकेशन क्या है इसकी, कि डेटाबेस में आपके डिफरेंट एंट्रीज हैं, उनके बीच में आप एसोसिएशन फाइंड आउट करना चाह रहे, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास कुछ एल्गोरिदम्स भी हैं, जैसे नेव्स एल्गोरिदम एंड ए प्रायोरी एल्गोरिदम, जो हमारे सिलेबस में है। इसके अलावा बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, बट वी विल नॉट डिस्कस देम, ठीक है, हम यही डिस्कस करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइटम्स फॉर एसोसिएशन माइनिंग। लेट अस अज्यूम देयर आर एन आइटम्स दैट आर शॉप स्टॉक्स। सपोज करो एन आइटम्स हैं, जैसे मैंने अभी बताया था कि एक ट्रांजैक्शनल डेटाबेस होगा, तो यहां पर ट्रांजैक्शनल आईडी है और आइटम्स आपने लिखी थी, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल देयर आर सिक्स आइटम्स इन स्टॉक, दीज आर ब्रेड, बैटर, बियर, एग्स, मिल्क, कोला एंड डाइपर्स। द आइटम लिस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई एंड इट्स आइटम्स आर रिप्रेजेंटेड एज I1 टू IN। द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द यूनिक आइडेंटिफायर ट्रांजेक्शन आईडी एंड ईच ट्रांजेक्शन कंसिस्ट्स ऑफ अ सबसेट ऑफ आइटम्स। ये तो ऑब्वियस बात क्लियर है कि M शुड बी लेस देन इक्वल्स टू N, ठीक है। एक ट्रांजेक्शन में नंबर ऑफ आइटम्स कितनी होगी, वो तो जितनी टोटल आइटम्स है उसके इक्वल ही ज्यादा से ज्यादा हो सकती है या उससे कम होंगी। जैसे लेट अस सपोज सिक्स आइटम्स यहां मेंशनड है, यहां कितनी आइटम्स हैं, टू, यहां कितनी आइटम्स हैं, फोर, यहां फोर, यहां फोर और यहां भी फोर, बट इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन सिक्स, ये बात तो हमें मालूम ही है, ठीक है। एम शुड बी लेस देन इक्वल्स टू एन। तो इस तरह से हम बेसिकली एक अपना टेबल तैयार करेंगे, ठीक है, जब भी एसोसिएशन रूल माइनिंग की बात होगी। सो नेक्स्ट इज
रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइटम्स फॉर एसोसिएशन माइनिंग, आप इस तरह से करोगे। अब ये देखो, फर्स्ट एग्जांपल है सिंपल स्टोरेज की, कि जो जो आपके पास आइटम्स आई उसको आपने मेंशन कर दी। इस तरह की आइटम्स को आप कैसे बोलोगे? सिंपल स्टोरेज। इस तरह की आइटम्स को कि आपने टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ऊपर लिख दी और जो आइटम्स हैं उनको वन लिखा, बाकी को क्या लिख दिया? जीरो। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलोगे हॉरिजॉन्टल स्टोरेज। अब इसमें क्या किया हुआ है, बेसिकली यू हैव ट्रांसपोज इट, ठीक है, आपने इसको क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया इस टेबल को। तो उस तरह की स्टोरेज को क्या बोलते हैं? वर्टिकल स्टोरेज। ये क्लियर है? इज देयर एनी डाउट? ये कैसे बने? ये अलग अलग टाइप्स हैं। इसी टेबल को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, ये सिंपल स्टोरेज, ये हॉरिजॉन्टल स्टोरेज और ये वर्टिकल स्टोरेज। क्लियर? एसोसिएशन रूल्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड एज इफ देन स्टेटमेंट्स। एन एसोसिएशन रूल कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज एन एंटीसीडेंट इफ एंड अ कॉन्सिक्वेंट देन। इफ देन रूल्स चलेंगे इसमें, ठीक है। एन एंटीसीडेंट इज एन ऑब्जेक्ट और आइटम इन द डेटा, व्हाइल अ कॉन्सिक्वेंट इज एन ऑब्जेक्ट और आइटम फाउंड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीसीडेंट। इसका कुछ मतलब नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में हम इसको देखते हैं। अ पर्सन हु बायस बियर हम जनरली ऐसे लिखते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको। Is it clear or not? Association rules are often written as X arrow Y, meaning that whenever X appears, Y also tends to appear. कि जब भी कोई person beer purchase करेगा, chips भी purchase होंगे। तो उसके database में क्या होगा? कि जहाँ पे beer की item आएगी, तो साथ में chips की item भी आएगी। Clear? Any doubt? ये एग्जाम्पल अब देखो, फॉर एग्जाम्पल द रूल फाउंड इन द सेल्स ऑफ डेटा ऑफ अ सुपरमार्केट कुड स्पेसिफाई दैट इफ अ कस्टमर बायस अनियंस एंड पोटैटोस टुगेदर, ही और शी विल आल्सो लाइक टू बाय बर्गर्स, ठीक है। सो दैट मींस अनियंस और पोटैटोस जब भी होंगे तो बर्गर्स होने के चांसेस हैं, तो आपने उसको ऐसे लिखा एरो के साथ। क्लियर? अब ये कुछ इवेल्युएशन मैट्रिक्स हैं, ये कुछ इवेल्युएशन मैट्रिक्स हैं एसोसिएशन रूल्स के, सपोर्ट, कॉन्फिडेंस एंड लिफ्ट। ये जो सपोर्ट कॉन्फिडेंस हैं, जो हमने दो एल्गोरिदम यूज करने हैं, नेव एंड एप्रोरी, उसमें यूज होते हैं, लेकिन बाकी कई एल्गोरिदम्स में ये लिफ्ट वाला भी यूज होता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन एज एन इवेल्युएशन मीट्रिक लिफ्ट इज इन सिलेबस, ठीक है, लिफ्ट सिलेबस में है, लेकिन जो एल्गोरिदम सिलेबस में है डेटा नेव एंड एप्रोरी। सो लिफ्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन नेव और एप्रोरी के साथ लिफ्ट जनरली यूज नहीं होता। क्लियर? तो नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन दैट व्हाट इज सपोर्ट, व्हाट इज कॉन्फिडेंस एंड व्हाट इज लिफ्ट। अब सपोर्ट को देखो, If there are n transactions in a database, then support of an item X is the number of times X appear in the transaction is to the total number of transaction, that is the probability of X. Let us suppose I am defining a transactional table. Banana.
So what will be this sport here? Number of for banana. Number of times X appears in transaction. Number of times banana appear in this transactional table. 1, 2, 3. 3. Total transactions kitni hai? 5. Is support clear? Support for apple. Yes. What will be the value for? Yes, kitna? 3 by 5. And support for mango? So 2 by 5. 2 by 5. So काफी simple है ये बताना, ठीक है? So आप ऐसे calculate कर सकते हो. Now support x comma y. Similarly support of x and y is the number of times x and y both appears in the same transaction is to the total number of transactions. ये तो वही बात होगी ना. Let us suppose, अब यहां पर मैं कहूं support कितनी आएगी भी value. Banana and apple यहां पर है और है कहीं? No. तो कितनी आएगी? 1 by 5. क्लियर? यस सर. ओके. यस, इस स्लाइड को देखो, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछो. स्पोर्ट ऑफ ब्रेड, ब्रेड कितने में है? फर्स्ट में है, सेकंड में है, फोर्थ में है, फिफ्थ में है. तो 4 और टोटल ट्रांजैक्शंस आर 5. स्पोर्ट फॉर मिल्क, फर्स्ट में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, फिफ्थ में है. सो 4 by 5. स्पोर्ट फॉर एग्स, सेकंड में है और कहीं नहीं है, तो 1 by 5. स्पोर्ट फॉर बियर एंड डाइपर, बियर एंड डाइपर इकट्ठे कितने में है? थर्ड एंड फोर्थ में. सो थर्ड फोर्थ एंड बियर डाइपर, सॉरी सेकंड में भी है, सेकंड थर्ड फोर्थ, तो सो 3 by 5. क्लियर? सो ये आपका स्पोर्ट को कैलकुलेट करने के लिए हो गया. अच्छा, अब ये बताओ, क्या ये स्पोर्ट से कोई आप एसोसिएशन को फाइंड आउट कर सकते हो? विल इट बी हेल्पफुल कि अगर मैं ये वाला बियर कॉमा डाइपर लिखूं ऐसे, तो क्या विल इट बी हेल्पफुल? ये सब कॉम्बिनेशंस आइडेंटिफाई हो सकते हैं जो मोस्ट कॉमनली हो तो सकते हैं, ठीक है? लेकिन अब इसमें एक इसके साथ को हम जनरली यूज करेंगे, ठीक है? सो कॉन्फिडेंस में लेट्स कंसिडर दैट देयर इज अ रूल एक्स वाई विद अ स्पोर्ट ऑफ 80%. It means that in 80% of the times transaction item X and Y appear together. अब इसका मतलब क्या है? What is confidence? Let's say there is another rule AB with support 50%. That is the items of A and B are not frequent in transaction and it seems to be rule that is not important. अब यहां पर अगर मैं पिछले की बात करूं, जैसे यहां पे स्पोर्ट बियर कॉमा डाइपर है, ठीक है? सपोज देयर आर 5 अनदर आइटम्स और इनमें एक भी आइटम ये बियर डाइपर की नहीं है, एक भी ट्रांजैक्शन में बियर एंड डाइपर्स आर नॉट देयर. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्पोर्ट? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्पोर्ट? 3 by 10. यस सर. ठीक है,
सो अब इसकी परसेंटेज क्या होगी? 30%. तो वो अगर मैं एनालिस्ट हूं तो मेरे लिए वो वाली वैल्यू कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, ठीक है. तो अब ऐसे ही ये जो आइटम, ये वाला सेकंड पॉइंट है, लेट्स से दैट देयर इज अनदर रूल ए इज टू बी विद सपोर्ट 50%. इसका मतलब हमारे केस में वो कितना था? 30%. दैट इज द आइटम्स A and B are not frequent in the transaction and it seems that this rule is not important. उसके लिए लगेगा कि ये तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन support और confidence में क्या है कि जब A से B item, हम A के corresponding ये देख रहे हैं कि जो person A को purchase कर रहा है वो B को भी लेगा, तो हमें क्या करना चाहिए? So we have to डिफाइन एन अनदर इवेल्युएशन मेट्रिक कॉल्ड कॉन्फिडेंस. और वो कॉन्फिडेंस क्या करेगा? बट इट इज सीन दैट एट द ट्रांजेक्शन डेटा दैट वेन एवर ए अपियर्स देयर इज 90% चांसेस दैट बी विल अपियर. अब अगर मैं उसी को कॉन्फिडेंस के हिसाब से यहां कॉन्फिडेंस कैलकुलेट करना हो इस एग्जाम्पल, यहां अगर कॉन्फिडेंस कैलकुलेट करना हो इस एग्जांपल में तो क्या होगा? यस, कि जब भी ए आइटम, लेट अस सपोज यहां पर मैं किया हुआ है बियर एंड डायपर. अब आपने कैलकुलेट करना है कि बियर कितने में है. यस, बियर कितने में अपीयर हुआ? 1, 2, 3. इसके अलावा तो नहीं बियर? नहीं. और जहां पर बियर अपियर हुआ उतने में कितने में डाइपर्स अपियर हुआ? 3. सो कॉन्फिडेंस विल बी 3/3 × 100. सो दैट मीन्स 100% कॉन्फिडेंस. ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? यस सर. लेट अस सपोज सिक्स्थ आइटम इज बियर मिल्क, सेकेंड आइटम, सेवेंथ आइटम इज बियर एंड कोला, और ये 8, 9, 10th में ये नहीं है, तो कॉन्फिडेंस कितना होगा? 3/5 × 100. क्लियर? Yes. Is it clear or not? Clear, sir. ये स्लाइड देखो और अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछो. Yes, any problem? किसी पॉइंट पे, ठीक है. अब कॉन्फिडेंस ऑफ ब्रेड टू मिल्क, ब्रेड और टू मिल्क, ब्रेड और मिल्क इकट्ठे कितने में है? फर्स्ट में है, फोर्थ में है एंड फिफ्थ में है, तीन में इकट्ठे हैं. और ब्रेड कितनी एंट्रीज में अपियर हुआ है? फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ. सो 3/4, ठीक है. सो बियर एंड डाइपर्स 100%, वो तो मैंने कैलकुलेट. एंड मिल्क, ब्रेड टू कोला. अब मिल्क एंड ब्रेड इकट्ठे कितने में है? फर्स्ट में है एंड फोर्थ में है एंड फिफ्थ में है. सो तीन एंट्रीज में है. और मिल्क ब्रेड के साथ कोला कितने में है? ओनली फिफ्थ में. सो आंसर इज 1/3. क्लियर? अब हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं रूल्स को, सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस
लिखकर, ठीक है। अब देखो ये लिफ्ट क्या है, देखो जैसे हमने कॉन्फिडेंस के लिए पहले स्पोर्ट का एक ड्रॉबैक देखा था, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज लिफ्ट, लिफ्ट क्या है आपके पास, कि आप सपोज करो कि एक आइटम है वो हर कस्टमर लेकर ही जाता है, ठीक है, एन आइटम दैट इज परचेस्ड वेरी फ्रीक्वेंटली, मतलब 80% ट्रांजेक्शन आईडी में वो उसकी एंट्री मिलेगी जनरल स्टोर में। इट कुड बी मिल्क, इट कुड बी कोला, देखो हमारे यहाँ तो नहीं कि फॉरेन कंट्रीज में जैसे कोक है, कोक काफी यूज किया जाता है, ठीक है। इट कुड बी डाइपर्स या, ठीक है, ऐसी जो कुछ एंट्रीज हैं, लेट अस सपोज हर एंट्री में आपका कोला है, ठीक है, हर एंट्री में है कोला, तो अब अगर आप किसी भी उसके साथ कोला को वो करोगे, कॉन्फिडेंस करोगे, उस कॉन्फिडेंस वैल्यू विल बी हाई, क्यों हाई होगी, क्योंकि ये तो तकरीबन हर जगह है, तो आप कैसे इसको, इस मीट्रिक को और अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। देखो कॉन्फिडेंस ऑफ अ रूल एक्स वाई इज द नंबर ऑफ टाइम्स एक्स वाई अपीयर्स टू नंबर ऑफ टाइम्स एक्स अपीयर, ठीक है। सो लेट अस सपोज के एक्स वाई तो इकट्ठे आएंगे आएंगे, अब लेट अस सपोज मैं मिल्क एंड कोला की बात करूं तो कोला हर आइटम में है, तो वो तो ऊपर वाली आइटम तो काफी ज्यादा पॉपुलेटेड होगी ही होगी, ठीक है, जितनी एंट्रीज में भी इसके कंपैरिजन, तो क्या होगी ये वाली वैल्यू, हमेशा ज्यादा होगी, तो ये तो हमें ये लगेगा कि ये वाली वैल्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि वो वाली आइटम तो हर हर के साथ है, ठीक है। सो अब इसका हम करेंगे कैसे, सो देन अगर कोई ऐसी आइटम है तो लिफ्ट क्या बताएगी कि बजाय के एक्स के साथ हम देखें, हम वाई के कंपैरिजन में देखें। सो अभी इसकी एग्जांपल मैं अभी आपको देता हूं, यहां पर देखो, वहां पर क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई के साथ हम देखेंगे, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने लगा दी है। सो वी हैव यूज्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, पुराने केस में क्या था, कॉन्फिडेंस क्या था आपका, अब इसके साथ हमने क्या किया, क्लियर। सो अभी इसको देखते हैं हम कि कैसे ये कैलकुलेट होगा। अब यहां पर देखो, ब्रेड मिल्क एंड डाइपर्स, जब भी ब्रेड मिल्क है उसके साथ हमने डाइपर्स को करना है। सो हाउ मैन टोटल एंट्रीज कितनी है यहां पर, 5। सो कैपिटल एन की वैल्यू कितनी होगी इसकी, 5। एन ब्रेड कॉमा मिल्क कॉमा डाइपर्स, ब्रेड मिल्क डाइपर्स कितने में है, ये 2 में, ठीक है, 4 and 5 में ब्रेड मिल्क डाइपर्स है, तो बेसिकली 2 into 5 न्यूमिरेटर, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, ब्रेड इंटू मिल्क, क्योंकि ये कितनी आइटम्स में था, ब्रेड मिल्क कितनी में था, 1, 2, 3, सो 3 में ये था,
इनटू डाइपर्स कितने में था? 1, 2, 3, 4 क्लियर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ लिफ्ट. इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर सर. एनी डाउट? सो ये अभी हमने तीनों कर लिए. अब हम सबसे पहला एल्गोरिदम जो एसोसिएशन रूल माइनिंग का है, दैट इज एसोसिएशन रूल माइनिंग नेव एल्गोरिदम. सो व्हाट इज दिस नेव एल्गोरिदम? नेव एल्गोरिदम फॉर एसोसिएशन रूल माइनिंग इज अ ब्रूट फोर्स अप्रोच टू फाइंड एसोसिएशन रूल्स दैट स्पेसिफाई द थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस. हमारे पास एक प्री डिफाइंड थ्रेशोल्ड होगी जो डिफाइन की जाएगी, मतलब एक्सपर्ट अपनी तरफ से डिफाइन करेगा. उसको जो सेटिस्फाई कर रहे होंगे सिर्फ वही पेयर्स रखे जाएंगे, बाकी पेयर्स को हम हटा देंगे, इससे ब्रूट फोर्स से हटा देंगे. अब ये कैसे होगा वो हम अभी करते हैं. फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड फॉर एसोसिएशन रूल माइनिंग. फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच आइटम एंड ऑल पॉसिबल आइटम पेयर्स. फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच आइटम एंड ऑल पॉसिबल आइटम पेयर्स. मतलब लेट अस सपोज आपके पास यहां 10 आइटम्स हैं, तो आपने हर आइटम की कॉरेस्पॉन्डिंग हर में फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, और जितने पॉसिबल पेयर्स हैं उनकी भी आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, जितने भी पेयर्स बनते होंगे. आइडेंटिफाई आइटम पेयर्स दैट क्वालिफाई द थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ सपोर्ट. तो हमने जो पेयर्स में आपस में थ्रेशोल्ड वैल्यू बनती है, सपोर्ट कितनी है वो कैलकुलेट करनी है, और अगर वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस करते हैं तो ही उनको रखना है, बाकियों को बाहर निकाल देना है. जनरेट एंड आइडेंटिफाई रूल्स दैट क्वालिफाई द थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ कॉन्फिडेंस. फिर हमने ऐसे रूल्स जनरेट करने हैं जो कॉन्फिडेंस की भी थ्रेशोल्ड वैल्यू को सपोर्ट करते हों. सो मतलब हमारे पास क्वेश्चन में क्या होगा, पहले थ्रेशोल्ड वैल्यूज ऑफ सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस विल बी गिवन, तो उसी के बेस पे आपको ये कैलकुलेट करना होगा. ठीक है, सो लेट अस डू दैट. ये एग्जांपल है हमारे पास. तो सबसे पहला काम क्या है, स्टेप वन, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच आइटम. आइटम को लिखो, ब्रेड. ब्रेड की कितनी फ्रीक्वेंसी है? 3. कॉर्नफ्लेक्स की? 3. जैम की? 2. एंड देन मिल्क की? 2. अब पेयर देखो आप, ठीक है, इसके साथ ब्रेड एंड कॉर्नफ्लेक्स कितनी फ्रीक्वेंसी है ब्रेड और कॉर्नफ्लेक्स की? 2. देन ब्रेड एंड जैम 1. ब्रेड एंड मिल्क 1. कॉर्नफ्लेक्स एंड जैम कितनी बनेगी कॉर्नफ्लेक्स एंड जैम की? 2. एंड एनी अदर कॉम्बिनेशन पॉसिबल? और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो? ब्रेड जैम लिख लिया हमने, ब्रेड मिल्क लिख लिया, कॉर्नफ्लेक्स जैम लिख लिए, एंड मिल्क जैम कितनी है? 1. ठीक है,
आप तीनों आइटम्स के साथ उसकी फ्रिक्वेंसी को लिख लोगे, ठीक है, तो आप ऐसे टेबल जनरेट करोगे। सो ऐसा हमने टेबल जनरेट कर लिया। ये टेबल कैसे जनरेट हुआ ये समझ में आया, और एनी डाउट? क्लियर? ऐसे हमने वन बाय वन ये टेबल सारा जनरेट कर लिया। अब हमने करना क्या है, सपोज करो हमारे पास थ्रेशहोल्ड वैल्यू ऑफ स्पोर्ट इज 50%। सो स्पोर्ट की 50% वैल्यू है कि जिस जहां पे आपको 50% मिल रहा हो, ठीक है, स्पोर्ट, तो वही आपने लेने हैं 50% से ज्यादा वाले, उससे कम वाले नहीं लेने। सो सिंस टोटल ट्रांजैक्शंस आर 4, टोटल ट्रांजैक्शंस 4 थी हमारी, ये देखो 4 थी ना टोटल ट्रांजैक्शंस 100 से 103 तक। तो अब जिनकी दो सिर्फ पेयर्स की बात कर रहे हैं हम, सिंगल आइटम या थ्री आइटम्स की बात नहीं कर रहे। तो जिन पेयर्स की दो पेयर्स कितने थे यहां, ये वाले, ये सारे पेयर्स हो गए ना, ये सारे पेयर्स हो गए। बेसिकली हमें अगर आप सिर्फ यही जनरेट कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर हमने स्पोर्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमने ये जो आपके पास पेयर्स को ही कंसीडर करना है। तो अगर आप सिर्फ पेयर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी लोगे तो भी आपको ये फर्स्ट स्टेप के लिए आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ब्रेड और कॉर्नफ्लेक्स की कितनी है, 2 हमने इसको रखा, ये 1 वाला इग्नोर कर दिया, क्यों, इसकी स्पोर्ट वैल्यू इज लेस देन 50%, 1 वाला इग्नोर कर दिया, 2 वाला रखा, ये इग्नोर किया, ये इग्नोर किया। सो ओनली 2 आइटम्स आर देयर, ब्रेड कॉर्नफ्लेक्स एंड कॉर्नफ्लेक्स जैम, तो वही इसने यहां पर हाईलाइट किया हुआ है। क्लियर? एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? सो अब आपने करना क्या है कि जनरेट एंड आइडेंटिफाई रूल्स डेट क्वालिफाई थ्रेशहोल्ड वैल्यू ऑफ कॉन्फिडेंस। अब थ्रेशहोल्ड वैल्यू ऑफ कॉन्फिडेंस सपोज करो 75% है, ठीक है। सो आपके पास अगर ये दो पेयर्स हैं तो इन दोनों पेयर्स में कितने रूल्स बन सकते हैं, फर्स्ट इज ब्रेड कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्नफ्लेक्स ब्रेड, नेक्स्ट इज कॉर्नफ्लेक्स जैम एंड जैम कॉर्नफ्लेक्स। क्लियर? तो यही रूल बनेंगे। अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने क्या कैलकुलेट करना है, कॉन्फिडेंस। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉन्फिडेंस, एन एक्स ठीक है। सो ब्रेड कॉर्नफ्लेक्स की वैल्यू क्या आएगी भाई, अगर आप वही टेबल को जाओगे, ब्रेड और कॉर्नफ्लेक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1, 2, और ब्रेड कितने में है, 3 में, सो 2/3 आएगी इसकी फर्स्ट की, और कॉर्नफ्लेक्स ब्रेड कितना आएगा, ये ब्रेड कॉर्नफ्लेक्स की थी, ये कॉर्नफ्लेक्स ब्रेड की कितनी है, कॉर्नफ्लेक्स ब्रेड इकट्ठे कितने में है, 2, और कॉर्नफ्लेक्स कितने में है, 3, तो इसकी भी 2/3, ठीक है। सो ये भी 75% का दोनों क्राइटेरिया फेल कर गए, तो इन दोनों को हम नहीं रखेंगे। सो नेक्स्ट पेयर कौन सा था हमारा, कॉर्नफ्लेक्स जैम, अब कॉर्नफ्लेक्स जैम को अगर कैलकुलेट करना है
तो कॉर्नफ्लेक्स और जैम कितने में है? 2 में, और कॉर्नफ्लेक्स कितने में था? 3 में। तो ये वाला क्राइटेरिया भी फेल हो गया। अब जैम, कॉर्नफ्लेक्स, अब ये कितने में है? इकट्ठे 2 में, और जैम कितनी बार आया? टोटल 2 टाइम्स। तो यहां पर कितना हो गया कॉन्फिडेंस? 100। सो ओनली जैम कॉर्नफ्लेक्स इज मीटिंग द थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ 75%। सो ओनली दिस रूल इज चूजन। क्लियर? और एनी डाउट? किसी को कोई डाउट हो? सो कैन यू टेल मी व्हाट कुड बी द लिमिटेशन ऑफ दिस एल्गोरिदम? कि ये भी कंप्यूटेशनली काफी एक्सपेंसिव होगा कि हर के कॉरेस्पॉन्डिंग आप पेयर्स कैलकुलेट करते हो, फिर स्पोर्ट वैल्यू, फिर कॉन्फिडेंस। ठीक है, इन नेव एल्गोरिदम वी हैव टू फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच पॉसिबल आइटम्स बाय रीइटरेटिंग द ट्रांजैक्शन डेटाबेस अगेन एंड अगेन। फॉर एन आइटम्स द ट्रांजैक्शन डेटाबेस नेव एल्गोरिदम टेंड्स टू फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 2^(n-n-1) सबसेट। ये इसकी बात बताओ भाई, ये क्या बोल रहा है? ये फिगर कहां से आई? देखो, पेयर्स के लिए टोटल वैल्यूज कितनी बनेगी? 2^(n), और n क्या है? अगर जो सिंगल आइटम्स हैं। 1 क्या है? जो नल सबसेट है, तो इसलिए ये माइनस किया हुआ है। ठीक है, एन इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ नेव एल्गोरिदम इज टू कंप्यूट ओनली नॉन जीरो फ्रीक्वेंसी पेयर्स। सिर्फ वही भी पेयर को चूज करें जिनकी फ्रीक्वेंसी जीरो ना हो। ठीक है, जब स्टार्टिंग में कैलकुलेट कर रहे हैं। This can be done by generating item pairs for items that appear in the same transaction as shown in this figure. तो सिर्फ ऐसे ही हम जनरेट करें बजाय कि उस वे से। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Any doubt? So this is all about Knave's algorithm. कल हम a priori algorithm करेंगे। Thank you. अगर किसी को कोई doubt है वो पूछ सकता है। Okay, then it's okay.